गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्लास सेवन के लिए हम लोग जो है आज इस सेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एक होल नंबर को, यानी होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो एंड नेचुरल नंबर, तो होल नंबर को किस तरीके से हम फ्रैक्शंस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए होल नंबर इनटू फ्रैक्शंस में क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर आपको दिखता है, यानी फ्रैक्शन इस रूप में दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर इनटू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू होल नंबर इनटू न्यूमरेटर, यानी कि जो पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसके साथ ही क्या हो जाएगा, होल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन फिर आप डिनोमिनेटर को एज इट इज, जहां उसका पोजिशन था उस पोजिशन पे उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इस जगह पे है आपका कि 3 इंटू, हमेशा ध्यान रखिएगा जो मल्टीप्लाई का साइन होगा वो इस लाइन के एकदम समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो यहां पे एग्जांपल है 3 इंटू 2 बाई 7। ठीक है, तो 3 इंटू 2 बाई 7 करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है। मल्टीप्लाई कैसे करना सीखा है कि 3 को हमें न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2 6 बाई 7। ठीक है, दूसरा आपका एग्जांपल है यहां पे, जैसे 3 इंटू 2 whole 1/7, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए जो कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसे हो जाएगा ये, तो 3 इंटू, पहले भी मैंने सिखाया हुआ था एक्चुअली 2 प्लस 1 बाई 7 होता है, तो क्या हो जाएगा 7 टू जा 14, 14 प्लस 1 15 बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर उसी तरीके से जो कि आपको दिख गया है कि 3 इंटू फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम कैसे सीखे हैं मल्टीप्लाई करना, तो 3 के साथ में हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज अपनी जगह पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो 15 = 45 बाई 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप होल नंबर को किसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड में, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, यानी कि फ्रैक्शन को जब हम ऑफ से दिखाएंगे, दो फ्रैक्शन के बीच में जब हमें ऑफ दिखेगा तो इस ऑफ का क्या मतलब है उसको यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए ऑफ का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी ऑफ की जगह पे आपको क्या लिख देना होगा, साइन ऑफ मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का साइन आपको लिख देना होगा ऑफ की जगह पे। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या है 1/2 ऑफ 3, यानी 3 यहाँ होल है, होल नंबर है, और 1/2 क्या है यहाँ पे, तो ये एक फ्रैक्शन है, तो 1/2 ऑफ 3 कर रहे हैं, यानी कि ऑफ की जगह पर हमें कौन सा साइन लेकर क्या जाना है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लेकर क्या जाना है। देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दिया, देन फिर 3 था तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना सीखा था, देखिए फर्स्ट यहाँ पे पहले वाले स्टेप को जब मैं समझा रहा था तभी मैंने समझाया हुआ था कि होल नंबर को जब फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, यानी 1 × 3/2, दैट इज 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑफ का मतलब समझ गए कि ऑफ की जगह पे हमें जब दो फ्रैक्शन के बीच में, या फिर दो एक होल नंबर है एंड यहाँ एक फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शन के बीच में अगर ऑफ दिया रहे, या फिर होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस के बीच में अगर ऑफ दिया रहे, तो हम उस जगह पे ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद होल नंबर,
यहाँ पढ़े थे। अभी हम लोग देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन में आपको क्या दिखता है, तो न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर दिखता है, फ्रैक्शन इसी रूप में दिखता है, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर के रूप में दिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि दो फ्रैक्शन है उसके बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेनोमिनेटर जो है वो डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिखा दे रहा हूं, 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। यहाँ आपको दो फ्रैक्शन दिख रहा है और दोनों ही फ्रैक्शन में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा एंड डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 × 3 यानी कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड देन 2 × 2 दैट इज डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर। तो 3 × 1 = 3 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, सॉरी यहां पे 4 होगा। तो ये मैंने आपको समझाया है 3 अलग अलग पार्ट में करके 3 चीजों को कि कैसे हम समझेंगे।